प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर कुंडल, संवहन पुल, हिंदी में कहेंगे संवहन पुल। पौधों में जल, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स, भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए, कंडक्शन के लिए विशिष्ट प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये जटिल टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम वैस्कुलर बंडल कह सकते हैं। वैस्कुलर बंडल मुख्य रूप से तीन भागों से बने होते हैं। वैस्कुलर बंडल में तीन भाग होते हैं मुख्यतः। एक होता है जाइलम, XYLEM, जाइलम, फ्लोयम एंड कैंबियम। मुख्यतः ये तीन भाग होते हैं। जाइलम क्या करता है, रूट्स, जो जड़े, उनकी रूट हेयर्स वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन करती हैं, अवशोषण करती हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाना, तने और पत्तियों में ऊंचाई तक पहुँचाने का काम होता है जाइलम का। जाइलम का प्रवाह कैसा होता है, अप डायरेक्शन में, केवल ऊपर की ओर होता है। दूसरा फ्लोयम क्या करता है, फ्लोयम पत्तियों में जो फूड मटेरियल बनता है भोजन, उस भोजन को पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों तक, शाखाओं तक, जड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यानी फ्लोयम का जो प्रवाह होता है, उसको भोजन को ले जाने का जो कह लीजिए तरीका है, वो विभिन्न दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ले जाता है। और कैंबियम क्या करता है, ये द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी तने और जड़ में मोटाई में होने वाली जो वृद्धि होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से ये तीन घटक मुख्य रूप से हैं वैस्कुलर बंडल में। वैस्कुलर बंडल संवहन पुल मुख्यतः आपको जो पढ़ने हैं कोर्स में, तीन प्रकार के पढ़ने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रेडियल, RADIA, रेडियल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अरीर। दूसरा है कंज्वाइंट, संयुक्त। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। ये तीन प्रकार के हैं, रेडियल, अरी, इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल अवेटिक को देखते चले। कंजॉइंट में दो हैं प्रकार, एक है कोलेटरल को लेटरल और दूसरा है बाई कोलेटरल। कोलेटरल में दो प्रकार हैं, एक है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। कॉन्सेंट्रिक में मुख्यतः दो प्रकार हैं, एम्फीक्राइब्रल एंड एम्फीबेसल, MPBASAL, एम्फीबेसल, एम्फीक्राइब्रल एंड एम्फीबेसल। स्पष्ट आ रहा है सब ना? तो इतने प्रकार के हैं ये, आप एक चार्ट बना दिए हैं, याद रखना, एक एक को समझना। रेडियल प्रकार का वैस्कुलर बंडल एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, रूट्स में, जड़ों में इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल मिलता है। रेडियल प्रकार के वैस्कुलर बंडल में ये बात ध्यान में रहे कि जो जाइलम और फ्लोएम, ये अलग अलग रेडियस पर, त्रिज्याओं पर उपस्थित होते हैं। ऐसे देखिए डायग्राम, देखिए इसका रेडियल का, ये इपिब्लेमा, जड़ की बाहरी सतह परत,
इसके बाद आप सीधे वैस्कुलर बंडल को दिखा लीजिए, ये सेंटर हुआ, ये जाइलम है, ये जाइलम, ये जाइलम है, एक में दिखा देते हैं कि ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर है और ये प्रोटोजाइलम है। ये पेट वाला हिस्सा, यहाँ पर एक फ्लोएम, फ्लोएम और ये है जाइलम, और जाइलम में भी सेंटर की ओर मेटा जाइलम है, मेटा जाइलम और ये परिधि की ओर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटा जाइलम सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, और प्रोटोजाइलम कहाँ है, परिधि की ओर है, ये देख रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जब जाइलम की रहती है उसको बोलते हैं जाइलम इक्साच, तो बोलते हैं जाइलम इक्साच। अब देखिए आपने कहा इसमें क्या है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर स्थित है, एक साथ जुड़े नहीं है, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित है, इसलिए ये कहलाता है रेडियल अरी, क्योंकि जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पाए जाते हैं। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल जड़ों में देखने के लिए मिलता है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा है कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, सीधे चले कंजॉइंट का मतलब ये तने में मिलेंगे इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब जब जाइलम फ्लोएम दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से संयुक्त हो, कंजॉइंट। कोलेटरल का मतलब है कि जब फ्लोएम बाहर की ओर हो और जाइलम अंदर की ओर हो, दोनों जुड़े ही हैं, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर। ओपन का मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में कैंबियम उपस्थित है, ये मिलेगा इस तरीके का एग्जांपल, एग्जांपल इसका मिलेगा कहाँ, डाइकॉट स्टेम, और ये वाला एग्जांपल आपको मिलेगा, एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये पहले इन दोनों को हम लोग देख ले, फिर बाइकोलेटरल, ये कुछ फैमिली है डाइकॉट की, जैसे एपोसाइनेसी, कनबाल्बनेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, इनमें देखने के लिए मिलता है, कुछ फैमिली है वहाँ, इसको इनको देखेंगे। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा, पहले जगह कम है इसको साफ कर रहे हैं, ये रेडियल हो चुका है इसलिए इसको इधर मिटा दिया। अब देखेंगे इधर की ओर ज्यादा फोकस करिएगा। अब देखेंगे इसके बाद में कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, कंजॉइंट JOINT कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, यानी दूसरे का, ऐसा कर लीजिए दूसरे का पहले का ए कर सकते हैं, दूसरा नंबर ये था उसका पहला आपका ये हो गया, पहला ये हुआ, दूसरा नंबर आपका यहाँ है, ये दूसरा नंबर है उसका, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और इसमें ए और ये बी कर ले दो भाग, तो दूसरे के पहले का ए, यानी कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, इसको देखने जा कहां मिलेगा, डाइकॉट स्टेम। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम, जैसे ये तना है, ये तना एपिडर्म की सबसे बाहर होती है, यहां इनको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान में रखें कि हम वैस्कुलर बंडल को सीधे दिखा रहे हैं, यहाँ वैस्कुलर बंडल सेंटर है, वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ से अगर दिखाते हैं ये
एक दो तीन चार तने में दुई बीज पत्री तने में डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं कंजॉइंट कोलेटरल ओपन कंजॉइंट जाएगा फोल्ड एक ही त्रिज्या में होंगे कोलेटरल छोड़े बाहर की ओर जाएगा अंदर की ओर ओपन जाएगा फ्लोर के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है और डाइकॉटिलीडंस में वैस्कुलर बंडल नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल 2 to 6 दो से छह तक होती है स्लाइड में चार दिखाया एंड वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग एक रिंग में व्यवस्थित है इसलिए इस डायग्राम में इस प्रकार से दिखाया गया तो यहां पर ध्यान दें कि ये बीच में इसमें कैम्बियम ये कैम्बियम की पट्टी है ये कैम्बियम ये अंदर की ओर जाइलम है और ये बाहर की ओर फ्लोएम तो ये कुल मिलाकर के फ्लोएम और ये कैम्बियम और ये जाइलम और वैस्कुलर बंडल अगर देखें एक को अलग करेंगे ऐसा एक वैस्कुलर बंडल को अगर हम अलग करके देखें तो ये बीच में इसके जो है कैम्बियम है ये फ्लोएम की सेल्स है सेलुलर स्ट्रक्चर ये फ्लोएम है ये और ये कैम्बियम है ये और यहाँ जाइलम में ये मेटा जाइलम है और इधर ये प्रोटोजोआ है तो ये प्रोटो और ये मेटा ये दोनों जाइलम है तो यहाँ पर भी देखेंगे केंद्र की ओर प्रोटोजाइलम ऐसा लगा आया नहीं है प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर मेटा जाइलम कहाँ है परित की ओर इसको बोलेंगे जाइलम इन डार्च जाइलम क्या हो जाएंगे इन डार्च वहां जाइलम की सार्च था और ये ध्यान में आपके आ जाना चाहिए कि वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट जाइलम फ्लोएम में की त्रिज्या में है जुड़े हैं और कोलेटरल फ्लोएम बाहर है जाइलम अंदर है ओपन जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है ऐसे वैस्कुलर बंडल कहलाएंगे कंजॉइंट कोलेटरल ओपन डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं और वैस्कुलर बंडल की संख्या नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल 2 to 6 दो से छह तक के लक्षण दिखाए गए एंड वैस्कुलर बंडल कैसे हैं अरेंज्ड इन ए रिंग एक रिंग में व्यवस्थित ये महत्वपूर्ण है दूसरा देखेंगे कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज ओपन की जगह क्या कर लीजिए आप क्लोज और ये दूसरे के पहले का बी हो जाएगा अब ये यहां देखते हैं कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज कहां मिलेगा मोनोकॉट स्टेम एक बीजपत्री तने इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में क्या देखने को मिलता है ध्यान देंगे बहुत दिक्कत नहीं है पूरा वही रहेगा केवल अंतर रहेगा यहां देखिए आप वैस्कुलर बंडल मुख्यतः नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इतनी हो जाएगी 6 6 2 6 से लेकर 32 32 तक हो सकती है वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में से ये ग्राउंड टिश्यू है बिखरे रहेंगे कोई क्रम नहीं है ध्यान देना इनका कोई लगने का क्रम नहीं है जैसे वहां आपने कहा अरेंज इन ए रिंग यहां रिंग में नहीं है व्यवस्थित नहीं
इसको ध्यान रखना, बड़े वाले वस्कुलर बंडल बाहर की ओर होंगे, छोटे वाले जो है अंदर बनाना। ये वस्कुलर बंडल बहुत ढेर सारे सब लगे और जाएगा अंदर श्योर होगा, फ्लोएम बाहर की ओर होगा, कंजॉइंट वाले जाएगा फ्लोएम एक दूसरे से मिले हुए। ये सेंटर है अगर, तो ये दिखा रहा है इस तरीके से केंद्र की ओर जाएगा मपर की ओर फ्लोएम, वो लिटरल कहलाएगा। और कैम्बियम अब्सेंट है, कैम्बियम नहीं है ऐसा, ये कैम्बियम नहीं पाई जाएगी, ध्यान में रहे। शेष वैसा ही है पूरा, यहाँ पर कैम्बियम का अभाव होगा। यानी ये फ्लोएम है एक अगर दिखाई है तो, और ये जाइलम, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग नहीं पाएगी, इसलिए द्विपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मोटाई में नहीं बढ़ते। कुछ अपवादों को छोड़ इसको ध्यान में रखना, कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज है, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक में ये बिखरे पड़े हैं। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल 6 to 32, 6 से लेकर के 32 तक हो सकता है। आइए बाई कोलेटरल की बात करें, कंजॉइंट बाइकोलेटरल, बाई अलग से बाइकोलेटरल, UELETRTRAEL बाइकोलेटरल वहां लिखा हुआ। तो ये कहाँ मिलते हैं, कुछ फैमिली है जहाँ पर ये मिलेंगे। हमने बताया कि एपोसाइनेसी, कनबालबुलेसी, सोलेनेसी और कहाँ मिले कुकुरबिटेसी, ये कुछ कद्दू आता कुकुरबिटेसी में, सोलेनेसी में आपका भाटा टमाटर बैगन ये सब आते हैं, मिर्चा, तो ये सब में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ केवल यह ध्यान रखना है कि वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, बाकी तो डाइकॉट की फैमिली है, द्विबीजपत्री वैस्कुलर बंडल रिंग में होंगे, वैस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 तक होगी। लेकिन यहाँ पर एक अनुकूलन एडाप्टेशन है, जब अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा तो ये क्लाइंबिंग नेचर के होंगे, थोड़ा देखते भी होंगे, कोहरा वगैरह देखे होंगे कद्दू, क्लाइंबिंग नेचर में आरोहण करने वाला होता है, थोड़ा सा तना उसका दुर्बल होता है, कमजोर होता, वीक होता, ऐसे वैस्कुलर बंडल होंगे। एक वैस्कुलर बंडल बना लीजिए और बात समझ में आ जाएगी। वैस्कुलर बंडल है, इनमें कैम्बियम, ये कैम्बियम है बाहर की ओर, ये अंदर भी कैम्बियम हो जाएगी, ये अंदर भी कैम्बियम है, ये आउटर फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम, ये आउटर कैम्बियम, ये जाइलम है बीच में, ये इनर कैम्बियम, इनर कैम्बियम और ये इनर फ्लोएम। यानी जाइलम फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम ये है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम उपस्थित है, जाइलम के दोनों तरफ ये क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा क्या, बाइकोलेटरल, कोलेटरल में फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, बाइकोलेटरल में जाइलम के बाहर अंदर दोनों तरफ फ्लोएम उपस्थित होगा। और डाइकोटिलीडन द्विबीजपत्री का तना है, इसलिए उसमें क्या पाया जाएगा, कैम्बियम उपस्थित होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल कुछ कुल हैं, फैमिली जहां मिलते हैं हमने बता दिया कहां मिलेंगे, एपोसाइनेसी, कनवालुनेसी, सोलेनेसी, कुकर कुकुरबिटेसी,
ये फैमिली है जहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला देखेंगे, अभी मिटा दे रहे इधर का सब। तीसरा नंबर आपका आ गया, यहां तक हो चुका है। तीसरा आपका है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक जो वैस्कुलर बंडल है, इसका मतलब है कि या तो जाइलम फ्लोएम से गुजरा होगा या फ्लोएम जाइलम से गुजरा होगा। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में या तो जाइलम फ्लोएम से गुजरा होता है या फ्लोएम जाइलम से, यानी एक जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक है दूसरे को घेरे रहता है। इसमें दो है, एम्फीक्राइब्रल और एम्फीबेसल। एम्फीक्राइब्रल प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है, इसमें ध्यान रखेंगे कि जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा होता है। ये जाइलम है, जैसे बहुत सरल है, ये बहुत सिंपल जाइलम है और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, फ्लोएम। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम है और ये है जाइलम। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ है। इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल कहलाता है एम्फीक्राइब्रल, इसको बोलेंगे एम्फीक्राइब्रल, एम्फीक्राइब्रल। ये कहां मिलता है? ये मिलेगा देखने के लिए सिलेजिलेंडा में, सिलेजिलेंडा, सिलेजिलेंडा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम फर्न है। लाइकोपोडियम ये फर्न है, इनमें देखने के लिए मिलता है। और एम्फीबेसल का मतलब जब फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम, यानी फ्लोएम गिरा हो, इससे गिरा हो जाइलम से फ्लोएम, और ये चारों तरफ क्या पाई जा रही है, इसके जाइलम। ये जाइलम और ये क्या है, ये कहां मिलता है, इसका उदाहरण कहां देखने के लिए, इसको पहले एम्फीबेसल, एम्फीबेसल कहां मिलेगा ये देखने के लिए, ड्रेसिना में, यक्का, यक्का, ड्रेसिना यक्का एक बीजपत्री है, मोनोकॉटिलीडन्स प्लांट्स है, उनमें देखने के लिए मिलता है। तो ये वैस्कुलर बंडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया करता है। और ये बेस है, अगर ये तैयार हो गया तो आपको पूरे एनाटॉमी को पढ़ने में, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ठीक प्रकार से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।